अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूट्यूब चैनल के बारे में। मेरे यूट्यूब चैनल सस्पेंड कैसे हो चुका है, क्या मसला आया मेरे पुराने यूट्यूब चैनल को, तो वो सारी डिटेल इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। और जितने भी लोग अभी इस YouTube चैनल को न्यू देख रहे हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। और दूसरा, मैं आपको स्टोरी बताता हूँ अपने YouTube चैनल, मेरे YouTube चैनल के साथ क्या प्रॉब्लम फेस करने में आई है, और मेरा पुराना चैनल टर्मिनेट कैसे हो गया, सस्पेंड कैसे हुआ है। प्रॉब्लम कुछ ऐसी थी कि मेरा यूट्यूब चैनल को ऑलमोस्ट 2 से 3 साल जो वर्किंग में लग गए थे, और ऑलमोस्ट वो टोटली चैनल रनिंग में था, व्यूज़ भी अच्छे आ रहे थे, सब्सक्राइबर्स ऑलमोस्ट उसके ऊपर 6460 सब्सक्राइबर्स मुकम्मल हो चुके थे, तकरीबन करने 6500 उसके ऊपर सब्सक्राइबर्स थे। उसके व्यूज़ जो हो चुके थे 1 मिलियन टच होने वाला था टोटल वीडियोज़ पे व्यूज़, वो वीडियोज़ पे व्यूज़ 7,20,000 मेरे व्यूज़ थे उस चैनल के ऊपर। और उस चैनल पे जो वीडियोस मैंने अपलोड की हुई थी वो 1100 या 1200, ऑलमोस्ट 1000 से ऊपर वीडियोस उस यूट्यूब चैनल पे थी। सेम इसी तरह फैज़ान हुसैन चैनल था, जो लोग पहले जानते होंगे मुझे उनको पता होगा, उस पर 6500 सब्सक्राइबर्स थे, 7 लाख प्लस उस पर व्यूज़ आ चुके थे, और चैनल टोटली मोनेटाइज और रनिंग में था, और वीडियोज़ व्यूज़ वगैरह भी अच्छे आ रहे थे। और मसला कुछ ऐसा आया कि उसमें मेरे व्लॉग्स थे, डिफरेंट टाइप के वीडियोस थी जो मैंने व्लॉग्स बनाए हुए थे, और 1100 ऑलमोस्ट 1000 वीडियोस पड़ी हुई थी उस यूट्यूब चैनल पे। अब जो मसला आया वो ये आया कि मैं डिफरेंट टाइप के वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रहा था, व्लॉग्स वीडियोस भी अपलोड कर रहा था, मोबाइल के रिलेटेड अनबॉक्सिंग वगैरह हर किस्म के वीडियोज़ अपलोड कर रहा था वहाँ पर। अब यूट्यूब की बहुत पॉलिसी ऐसी है कि अगर थोड़ी सी भी आपने गलती की ना, तो वो कम्युनिटी गाइडलाइंस के ऊपर आपका यूट्यूब चैनल टर्मिनेट कर देता है। कुछ लोगों के यूट्यूब चैनल टर्मिनेट होते हैं कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से, उनको वापस मिल जाते हैं, वो यूट्यूब की तरफ से कभी कभार प्रॉब्लम आ जाती है, वो आप यूट्यूब की टीम से रब्ता करें ट्विटर पे या उनको मेल करें तो आपको रिकवर हो जाता है चैनल। अब मेरे यूट्यूब चैनल पर कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई थी, मेरी वीडियोज़ टोटली 100% वीडियोज़ मेरी थी, जो वीडियोस बना भी रहा था वो मेरी थी, कोई म्यूज़िक वगैरह कोई कॉपीराइट क्लेम स्ट्राइक वगैरह नहीं थी। अब यूट्यूब ने मेरा चैनल किसकी बेस पे सस्पेंड टर्मिनेट कर दिया, वो इसकी बेस पे हुआ है, कम्युनिटी गाइडलाइंस के बेस पे हुआ है। और जो मुझे मेल रिसीव हुई थी वो मेल, उस पर यह लिखा हुआ था कि डियर फैज़ान हुसैन, यूट्यूब चैनल हैज़ बिन टर्मिनेटेड, मतलब यूट्यूब की तरह से उसको टर्मिनेट कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया, और रीज़न ये बताया गया कि आप कम्युनिटी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे थे। उस पर यह सीन है कि बिग बॉस का एक शो है, उसके ऊपर मैं वीडियोस बना रहा था, रिएक्शन वीडियोस उस पर दे रहा था, जो भी एपिसोड का हो रहा था एपिसोड की मैं अपडेट्स उसके ऊपर दे रहा था, जो मैं क्या नाम है कॉन्टेंट लिख रहा था वो भी मेरा सेम था ऑलमोस्ट, डिस्क्रिप्शन भी मैं सारी सेम लिख रहा था, टैग्स भी मेरे सेम थे, जितने भी मैं वीडियोस अपलोड कर रहा था वो सारी सेम मैं कर रहा था अपलोड, क्योंकि उस पर मुझे व्यूज़ ठीक आ रहे थे। तो वो एक गलती की वजह से थंबनेल भी मैं उनके बिग बॉस के फॉलो कर रहा था, जो कि शो है उसके थंबनेल लगा रहा था, थंबनेल लगाए हुए थे और वीडियो अंदर मेरी थी, और मैं उसमें एपिसोड के बारे में डिटेल्स बता रहा था। मेरी ऑलमोस्ट 50 वीडियोज़ या 20-30 वीडियोज़ उसकी बनी है, उन वीडियोज़ की नस्बत पे बेस के ऊपर यूट्यूब ने बोला कि आप कम्युनिटी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे, आप स्पैम कर रहे हैं, आप कोई फेक स्कैम कर रहे हैं कि आप थंबनेल कोई और लगा रहे हैं और वीडियो अंदर कोई और है ऐसी, तो उसकी बेस पे यूट्यूब को लगा कि वो कम्युनिटी गाइडलाइंस की बेस पे मेरा चैनल सस्पेंड हो गया, जो कि अब मुझे रिकवर भी नहीं हुआ। मैंने उसको ट्राई करने की कोशिश की है रिकवर करने की, लेकिन ऑलमोस्ट वो नहीं हो सका, और उसकी बेस पर अब ये मैंने दोबारा दूसरा चैनल बनाया। ऑलमोस्ट इससे पहले 2-3 चैनल मेरे पहले भी सस्पेंड हो चुके हैं, तो ये ऑलमोस्ट मेरा चौथा पांचवा चैनल है, जो कि अभी फैज़ान हुसैन जिससे आप ये वीडियो देख रहे हैं। अब वहाँ पे चले चैनल मेरी वीडियोस भी जाती नहीं है, लेकिन वहाँ पे मुझे एक फ़ायदा हुआ है, जो कि मतलब होता है ना कि कभी गलती गलती में बंदा एक चीज़ कर देता है,
वो ये चीज़ की है, ये आप देख लें, ये एक मतलब USB डिवाइस है 1 TB की, 1000 GB की। वो जब मैं वीडियोस बनाता था अपने मोबाइल से अपलोड अपने लैपटॉप में ट्रांसफ़र करके करता था, तो जितने भी वीडियोस थी वो मैं कोशिश करता था कि मैं अपने USB ड्राइव में भी सेव कर लेता था। अब मुझे उसका फ़ायदा क्या हुआ है कि मेरी जितने भी पुराने वीडियोस ऑलमोस्ट 600-700 वीडियोस वो मेरे पास पड़ी हुई हैं इस USB डिवाइस के अंदर, जो कि मैंने साथ साथ सेव की थी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरा यूट्यूब चैनल डिलीट हो जाए तो मैं कोई और यूट्यूब चैनल बना के उस पर ये वीडियोज़ अपलोड कर सकता हूँ। जैसा कि अभी आपको इस चैनल के ऊपर डिफरेंट टाइप के वीडियोस मिलेंगी, मेरे यूनिवर्सिटी के ब्लॉग्स, बाकी भी हर वीडियो आपको मिलेगी, कुछ वीडियोस मिसिंग होगी। तो मुझे जो चैनल मेरा टर्मिनेट हो भी गया है वो कमेटी गाइडलाइंस की वजह से, जैसे मैंने आपको बताया, तो वहाँ से जो बचत मुझे हुई है वो ये हुई है कि ये मैंने एक किस्म का एक मतलब चीज़ जो अच्छी की थी, जो कि मुझे चैनल टर्मिनेट होने के बाद भी फ़ायदा दिया, वो ये है कि मेरी वीडियोज़ मेरे पास सेव हुई हैं। अब जितने भी कंटेंट क्रिएटर हैं उन सबको मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि यूट्यूब पे आपका चैनल मतलब 100% ये नहीं है कि आप 100% कहें कि आपका चैनल ठीक रहेगा। कभी कभार फॉर एग्जांपल कोई ऐसी यूट्यूब की नई अपडेट आ जाती है और उसमें यूट्यूब आपकी कम्युनिटी गाइडेंस के बेस पे आपका चैनल टर्मिनेट कर देता है अगर, तो वो आपको मतलब लक अच्छी है कि आपको रिकवर हो जाएगा, नहीं तो वो बहुत मुश्किल से रिकवर होता है। तो अगर रिकवर ना हो तो आपके पास वो वीडियो सेव होनी चाहिए आपकी USB में। USB आप 10-15 हज़ार की ले लें, 1 TB की USB है, इसमें 1000-1500-2000 वीडियोस इजीली आ जाती हैं आपने जो भी रिकॉर्ड की होती हैं। मुझे ये फ़ायदा हुआ था कि मैंने वीडियोस इसमें रिकॉर्ड की थी। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी वीडियोस भी टोटल चली जाती तो वो मुझे ज़्यादा दुख होना था, क्योंकि मैंने 1000 से ऊपर उस चैनल के ऊपर वीडियोज़ अपलोड की हुई थी, और मतलब इतनी मेहनत करके आप वीडियो एडिट करते हैं उसके बाद अपलोड करते हैं, वीडियो कंटेंट क्रिएट करते हैं, लेकिन ये USB का मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है कि इसमें मेरी वीडियोस रिकॉर्ड रही हैं और सेव रही हैं। चंद कुछ 200-150 वीडियोस होंगी जो मेरे से इसमें सेव नहीं रही, एंड पे कुछ मैंने सेव नहीं की, बाकी ऑलमोस्ट सारी वीडियोज़ मेरी इस USB में सेव हैं, तो इसका मुझे फ़ायदा हो गया। तो जो चैनल मेरा टर्मिनेट हुआ है उसके बाद मुझे कुछ चीज़ें समझ आई हैं, वो ये हैं कि YouTube पे जो बंदे कहते हैं ना कि मतलब हम 100% मतलब चल रहे हैं YouTube पे, हमारा चैनल टर्मिनेट नहीं हो सकता, ये YouTube के ऊपर है। YouTube कभी भी आपका चैनल टर्मिनेट कर सकता है। मुझे भी 100% श्योर था मेरा चैनल कभी टर्मिनेट नहीं होगा। मेरी वीडियो सारी अपनी थी, सिर्फ थंबनेल मैंने एक उठाया था और वो लगा दिया अपने वीडियोज़ पर, उसकी बेस पर YouTube ने मेरा चैनल टर्मिनेट कर दिया है और वो रिकवर भी नहीं हो सका किसी सूरत, और उसकी बेस पर मुझे अब ये नया चैनल बनाना पड़ा है। इतने लोगों ने पहले ऑलमोस्ट 6000, मैंने 6500 सब्सक्राइबर्स उसके कंप्लीट हो गए थे, व्यूज़ भी अच्छे आ रहे थे, तो वो अब जाता रहे, लेकिन अब ये दोबारा मैंने चैनल स्टार्ट किया है और इंशाल्लाह इसको भी ग्रो करने की कोशिश करेंगे। तो जितने लोग भी अभी नए आए हैं, जिन्होंने पहले मुझे जानते हो नए, वो ऑलमोस्ट कंटिन्यू इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें, ताकि इसको हम 10K सब्सक्राइबर्स तक जल्दी ग्रो करा सकें। और बाकी जितने भी मेरे पास इस USB में वीडियो हैं वो कोशिश करूँगा मैं अपने YouTube चैनल पे अपलोड कर दूँ। इसके अलावा नए कंटेंट्स वगैरह भी आते रहेंगे। बाकी दुख तो बहुत हुआ था YouTube चैनल, मतलब आपका वीडियोस होती हैं, आपका चैनल चलना होता है, मतलब रनिंग में होता है, उसके बाद दोबारा आपको YouTube चैनल रन करवाना पड़ता है, उसमें थोड़ी मेहनत एफर्ट लग जाती है, लेकिन जो वो चीज़ मुझे समझ में आई है कि YouTube चैनल आपका कभी भी उड़ सकता है, कोई भी छोटी सी गलती से भी आपका चैनल YouTube वाले आपका सस्पेंड कर सकते हैं, ये सब कुछ YouTube के ऊपर हाथ के ऊपर होता है। YouTube को आपकी कंप्लेंट्स भी मिलनी है, आपके चैनल पे रिपोर्ट भी होनी है, तो उसकी बेस पे भी आपका चैनल टर्मिनेट किया जा सकता है। तो इन चीज़ों का आपने लाजमी ध्यान में रखना है। अगर आपके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं, लाखों में सब्सक्राइबर्स हैं, तो वो तो आपकी बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। मेरे 6000 थे जो कि मेरे लिए भी बहुत मैटर करते थे, लेकिन जो हो गया उसको बेहतरी होती है उसमें, और अब कोशिश यही है कि इस चैनल को हम ग्रो करेंगे। जितने लोग नए देख रहे हैं वो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अब इसके व्यूज़ कम ही आ रहे हैं क्योंकि ये स्टार्टिंग में दोबारा मैंने स्टार्ट किया है, तो इंशाल्लाह इसको भी ग्रो करेंगे। जितने भी लोग इस चैनल को देख रहे हैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस चैनल को भी हम ज़्यादा जल्दी ग्रो करवा सकें। तो बाकी गाइस इस वीडियो में यह बताना था कि यूट्यूब चैनल की क्या अपडेट्स हैं, कैसे टर्मिनेट हुआ। होप सो गाइस आपको आइडिया हो गया होगा, और कुछ लोग अभी देख रहे होंगे कि फिजान हुसैन के 6500-6500 सब्सक्राइबर्स थे, 1000 कैसे हो गए, उनको भी डिटेल समझ आ गई होगी।
बाकी इस वीडियो में यहाँ पे यूट्यूब पे एक ही चीज़ बतानी है कि यूट्यूब पे बंदा आके सक्सेस आप लोगों की बेस पे होती है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हो तभी हमें फ़ायदा होता है। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मतलब हमारे वीडियोज़ बनाने का वहाँ हमें फ़ायदा नहीं होगा। तो जो चीज़ हमारे हाथ में वीडियोज़ बनाना, कॉन्टेंट देना, आपको सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वो आपके हाथ पे होता है। तो अगर आप लोग देख रहे हैं इस चैनल को तो चाइंडली सब्सक्राइब करें और इस चैनल को ग्रो कराने में मेरी हेल्प करें। बाकी गाइस इस वीडियो में यही अपडेट्स देनी थी। इस वीडियो को यही ऐड करते हैं, वीडियो पसंद आई लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी इस वीडियो में ये बताना था ये सिनेमेटिक वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, पीछे बैकग्राउंड ब्लर है, तो वीडियो का रिजल्ट कैसा है वो भी कमेंट्स करके बताएं। बाकी इस वीडियो को यही एंड करते हैं। हिम्मत नहीं हारनी आपने, जैसे कि हमने भी हिम्मत नहीं हारी और इस चैनल को अब हम स्टार्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह इसको अच्छी तरह ग्रो करेंगे आपकी सपोर्ट के साथ। इस वीडियो को यही एंड करते हैं। दिस इज साइनिंग ऑफ फिजान हुसैन। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।